बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के पठार के ग्राम चिटका देवरी के ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा को देखते हुए कहा कि शासन प्रशासन सड़क को जल्द से जल्द बनाए। इस गांव की सड़क इतनी खराब है कि यहां से आना जाना मुश्किल है। वहीं ग्राम के निवासियों ने सरपंच पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती नर्मदा अनिर्भल। क्या समस्या है आपके गांव में? सर, ये हमारे गांव में रोड है तो यहाँ से नाले गिरे है, यहाँ से गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकते, कुछ नहीं जा सकते है। और समस्या ये है कि पानी भी आता नहीं, यहाँ से तो पानी निकलती है यहाँ रोड पे। और जैसे कि मोटर की धारा लगी है जैसे कि पानी बहता है, तो समस्या ये है कि मोटर भी ये क्या अभी गाड़ी भी जाती है तो किसी के आंगन से जाती है, ये रोड से जा नहीं सकती। आपके इस गांव से महके पार हायर सेकेंडरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? लगभग यहाँ से सर तो भी 20 तक बच्चे जाते हैं। हाँ जी। इसमें 10वीं 12वीं वाले बच्चे कितने होंगे? लगभग 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो 10वीं के बच्चे 6 और 12वीं के बच्चे है यहाँ के 2 है। हाँ, 2 है सर। अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यह चाहते हैं कि हमारे गांव में रोड बने अच्छी, और सबको रोड बनेंगे तो सबको आने जाने में अच्छी रहेंगी। आपका गांव किस पंचायत के अंतर्गत आता है? सर, ये ग्राम पंचायत कनड़गांव। कनड़गांव के सरपंच कौन है? रविशंकर। सरपंच साहब से कभी आपने बात की है कि इस समस्या का हल कैसे होगा? जी, सरपंच साहब से बात की है ना सर, लेकिन सरपंच साहब बोलते हैं कि ये PW में गया रोड, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे आप क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारे गांव में रोड बने। ठीक है, धन्यवाद। हम अभी इसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से चिटका दौरी वाली रोड है, और यहाँ के लोगों की समस्या है और बहुत बहुत गंभीर समस्या है। इसी विषय में जब हम चलते चलते यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ के ग्रामीणों ने हमको रोका और हमसे कहा कि हमारी भी समस्या को देख लो। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, बताइए आपकी क्या समस्या है? रोड की समस्या ही थी। और ये रोड बनाना है हमको। अच्छा, चंदा जमा करके हम मुहर्रम डाले हैं। हाँ, सरपंच लोग ने ध्यान नहीं दिए। हाँ, हम गांव करी लोग डाले हैं मुहर्रम। ये गड्ढा जो दिख रहा है, ये कब से यहाँ पे गड्ढा? 2 साल हो गए जी। अच्छा, हमने सुना है कि आप के इस गांव के लोगों ने 100-100 रुपए चंदा करके मुरुम यहाँ पे डलवाया था, उसके बाद में शासन प्रशासन यहाँ के सरपंच जनप्रतिनिधि जो भी हो उनसे आपने कभी इस क्षेत्र की मांग की कि इस रोड की समस्या को सुलझाया जाए, उसके बाद आपने क्या कभी उनको बोला है? कई बार बोले जी, सुनते थे नहीं वो। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? रोड बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए आपकी क्या समस्या है? बस वही समस्या जो बता रहे हैं, वही समस्या है। अच्छा, सभी का वही कहना है। हाँ, और जी वो रोड अच्छा हमको बनना चाहिए, यहाँ से मैके पार पर जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, तो कुड़वा और मैके पार जुड़ना चाहिए तो सुविधा हो जाएगी आने जाने वाले के लिए, सभी के लिए। अभी बड़े परेशानी हो गई 2 महीने के लिए, इतनी बारिश हो रही है कि कोई पूछो मत। तो हमने चंदा किए, 100-100 रुपए रखे 20-25 लोगों ने, और चंदा जमा करके हमने ये कैसा है आना जाना चालू किया है। ये सड़क की जो समस्या है इससे आपको क्या क्या तकलीफ होती है? बस वही हमको अभी पहले सड़क अच्छा होना, इसी की परेशानी ज़्यादा है। सरपंच को 2-3 बार जाके बोले PW में गया है तो मैं ध्यान नहीं देता बोले, और PW वाले को बोले तो PW में तो आया नहीं है बोलते हैं। आपका गांव जो है देवरी खुर्द, ये किस ग्राम पंचायत में आता है? कनड़गांव पंचायत में। अच्छा, कौन सरपंच है अभी? गर्दे, रेवा गर्दे। रेवा गर्दे, रेवा गर्दे। हाँ, अच्छा। और इस सड़क में जो गड्ढे दिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग आए हैं अभी, हमको पूरा गड्ढे दिखे हैं। आपके ग्रामीणों के द्वारा 100-100 रुपए चंदा करके इस गांव रोड को जो रिपेयरिंग किया गया है, हाँ, इसमें सरकार का क्या सहयोग रहा है? कुछ भी नहीं है उसका सहयोग। अच्छा,
आगे आपकी क्या डिमांड है? रोड को बनाने का। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।